देश की संवैधानिक परंपरा है कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल वही अभिभाषण पढ़ते हैं जो सरकार लिख कर लेती है। तमिलनाडु के राज्यपाल और एन रवि को भी डीएमके की स्टालिन सरकार ने लिखा हुआ भाषण विधानसभा में पढ़ने के लिए दिया था, लेकिन 1.5 मिनट पढ़ने के बाद राज्यपाल ने आगे पढ़ने से मना कर दिया। कहा कि मैं सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण से असहमत हूं और इसे आगे मैं नहीं पढ़ सकता। This address has numerous passages with which I convincingly disagree on factual and moral grounds. I am lending my voice to them would constitute constitutional travesty. Hence, with respect to the House, I conclude my address with this house a productive and healthy discussion for the good of the people. Valga Tamil Nadu, Valga Bharatam, Jai Hind. सामने सीएम स्टालिन, स्पीकर, तमाम विधायक बैठे थे। राज्यपाल विधानसभा से चले गए, सीएम स्टालिन ने रोका नहीं, बस जाते देखते रहे। राज्यपाल के वॉकआउट के बाद स्पीकर अप्पाऊ ने पूरा भाषण पढ़कर औपचारिकता पूरी की। हर साल विधानसभा का सेशन शुरू होने पर राज्यपाल का अभिभाषण होता है, इसमें राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं, उपलब्धियों का ब्यौरा होता है। तमिलनाडु में भी यही सब गुना था। तमिलनाडु में विधानसभा सेशन के लिए पहले दिन राज्यपाल अभिभाषण देने आए थे। आते ही मूड ऑफ हुआ, तमिल में अभिभावन किया, लेकिन राष्ट्रगान को लेकर उन्होंने सरकार की आलोचना कर दी। राज्यपाल ने स्टालिन सरकार से कहा था कि राष्ट्रगान अभिभाषण के शुरुआत और अंत में बजाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। माय रिपीटेड रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू शो ड्यू रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम and play it at the beginning and end of the address has been ignored. आरएन रवि ने पिछले साल भी सरकार से मिले भाषण को लेकर विवाद खड़ा किया था। सरकार के भाषण के कुछ हिस्सों को हटा दिया, कुछ अपनी ओर से जोड़ दिया। सीएम को कुछ समझना नहीं, कुछ ऐसा ही सोचकर बिना सरकार से पूछे तमिलनाडु का नाम तमिझगम कर दिया। दलील दी कि नाडु शब्द का अर्थ राष्ट्र से है, जो अलगाववाद की ओर इशारा करता है। उस कांड पर भी इतना विवाद हुआ कि राज्यपाल को अभिभाषण अधूरा छोड़कर जाना पड़ा था। इतिहास ये रहा है कि चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो या चाहे जिस पार्टी के शासन के समय राज्यपाल की नियुक्ति हुई हो, अभिभाषण जस का तस पड़ा जाता रहा। परंपरा तब टूटी जब 25 जनवरी को केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ऐसा करने से मना किया। आरिफ मोहम्मद ने लेफ्ट की पी विजयन सरकार का दिया पूरा भाषण पढ़ने की बजाय अंतिम पैराग्राफ पढ़ा। आरिफ मोहम्मद खान और रविंद्र नारायण रवि यानी आरएन रवि दोनों मोदी सरकार के समय राज्यपाल बने। दोनों की राज्य सरकारों से पटरी नहीं खाती। आरएन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बनने से पहले नागालैंड मेघालय के राज्यपाल होते थे। राज्यपाल होने से पहले देश के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी अजित डोभाल के डेप्यूटी होते थे। रवि को सितंबर 2021 में तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया था। उस समय स्टालिन विधानसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल करके दोबारा सीएम बने थे। डीएमके गठबंधन ने तब भी मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाकर आरएन रवि की नियुक्ति का विरोध किया था। तमिलनाडु के विवादित मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, करप्शन के आरोप में ईडी ने जेल में डाला हुआ है। सेंथिल बालाजी के खिलाफ जैसे ही ईडी का एक्शन हुआ, राज्यपाल ने बिना सीएम स्टालिन को बताए कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। हल्ला मचा तो 5 घंटे में ये कहते हुए आदेश वापस लिया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सलाह पर फैसला स्थगित कर रहे हैं। सेंथिल आज भी जेल में है, लेकिन स्टालिन ने हटाने के लिए नहीं कहा, इसीलिए अभी भी बिना विभाग के मंत्री। विधानसभा में जो हुआ वो स्टालिन सरकार और राज्यपाल रवि के बीच लंबे वक्त से चली आ रही तकरार का नतीजा है। राज्यों में नियम होता है कि सरकार जो भी बिल विधानसभा से कानून बनाने के लिए पास कराती है, उस पर राज्यपाल
से मंजूरी लेनी होती है। स्टालिन सरकार के ऐसे 19 बिल को रिजेक्ट कर चुके हैं राज्यपाल आरएन रवि। स्टालिन और राज्यपाल रवि की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची, नोटिस जारी हुआ, तब जाकर उन्होंने पेंडिंग बिल पर साइन किए। राज्यपाल से सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा कि 3 साल तक राज्यपाल क्या कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।